हेलो बच्चों नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का साइंस एंड फंड टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो अब बारी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर की देखो ये चैप्टर बहुत आसान है और इसका हम आपको अभी दे रहे हैं सुपर डुपर वन शॉट अब सुपर वन शॉट में इसलिए कहता हूं कि हम यहां पर ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एनसीईआरटी तो फिनिश करते ही करते हैं आप लोगों ने मेरे बाकी के लेक्चर जरूर देखे होंगे नहीं देखे तो जाकर देख लो यार ठीक है ना और उसके अलावा हम यहां पर करने वाले हैं शिवदास के बहुत प्यारे देखो दस साल के सैंबल पेपर हैं इसमें तो हमने दस साल के दस साल के सैंबल पेपर देखे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके इस इस स्लाइड में पीपीटी के अंदर हम लेकर आए हैं ठीक है ना अब यहां पर एक चैलेंज क्या होता है अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एलपीपी चैप्टर के खासकर आप एमसीक्यू मिस आउट कर देते हो ऑल दो एमसीक्यू इतने मुश्किल नहीं आते लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखना भी एक हमारा काम है हमारा फर्ज है और मेरा भी एक फर्ज है कि वो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे लाऊं तो शिवदास ने हमारे लिए वो काम बहुत आसान कर रखा है तो उन्होंने एक ही बुक के अंदर सारे के सारे दस साल के पेपर दे रखे हैं विद ऑल द सेट्स एंड देयर सॉल्यूशंस तो उसको कंपाइल करके आपका और मेरा काम बहुत आसान कर रखा है तो थैंक्स टू शिवदास तो ये वाली किताब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप और सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बाकी अभी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर जब मेरा एनसीईआरटी पोर्शन खत्म हो जाएगा हम करने वाले इसके बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस तो शुरू करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो एक चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है हमारे एक चैप्टर दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी से ठीक है ना आ, अगर आप लोगों ने चलो मैं ऐसे बताता हूं कहानी अब तक की तो कहानी अब तक की ये है कि अभी तक आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था और लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटीज ठीक है ना तो लीनियर इनइक्वालिटी अगर मैं बात करूं दो मिनट देखो आपको पता है यार मेरा नेचर मैं एवरीथिंग बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ाता हूं ऐसा चीज बना दूंगा इसका लोगों को लगता है एल बहुत आसान चैप्टर है बिल्कुल आसान है लेकिन 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 बहुत छुपी हुई बातें हैं बच्चे को बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाला काम करना है मुझे ठीक है ना लास्ट ईयर आप लोगों ने लीनियर इनक्वालिटी के ग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़े मेजोरिटी बच्चों ने नहीं पढ़े क्योंकि मेजोरिटी बच्चा जो इस लेक्चर को देख रहा है वो शायद सीबीएसई का बच्चा है और सीबीएसई में वो टॉपिक डिलीटेड था तो मेरा फर्ज है कि पहले वो आपको समझाना ही पड़ेगा तब जाकर आपको एलपी में मजा आएगा ठीक है ना चलो तो पहले अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की तो जब आप इसका ग्राफ बनाते थे याद करो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में बनाया है और कई बच्चों ने तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में यह भी नहीं बनाया है तो मैं आपको बता दूं अगर आप अगर आप अमीर बच्चे हो तो आप दो वैल्यूज लोगे अगर आप गरीब बच्चे हो तो आप तीन वैल्यूज लोगे अब अमीर और गरीब का क्या फर्क है मैं बताता हूं अमीर गरीब पैसों से नहीं अमीर गरीब मैथ्स के कॉन्सेप्ट से बात कर रहा हूं मैं ठीक है ना वो कहते हैं ना नमक स्वाद अनुसार सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार तो वो औकात जो है ना वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट की औकात है ठीक है भाई साहब तो यहां पर दो वैल्यूज तब लेना जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी दोनों दोनों वैल्यूज सही होंगी अगर आपको डाउट रहता है कि यार मेरी कैलकुलेशन ठीक ठाक होती है कभी कभी गलती भी कर देता हूं तो तीन वैल्यूज वैल्यू ठीक है ना अब देखो जैसे मैं एक्स को क्या ले रहा हूँ जीरो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी फोर वाई को ले रहा हूँ जीरो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर और अगर आप लेना चाहो तो एक्स टू तो वाई भी कितना आ जाएगा टू फिर अभी तो मैं रफली बना रहा हूँ अभी जब हम पूरा चैप्टर करेंगे तो प्रॉपर हम मेजर लेके काम करेंगे तो हम यहाँ पर इसको प्लॉटिंग करते थे याद करो याद करो कोई जल्दी नहीं है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो आपका ये डायग्राम जाता था ऐसे ठीक है ना ऐसे जाता था तो इस लाइन का मतलब क्या आपको बताऊं इस लाइन का मतलब यह है कि इस लाइन के ऊपर आने वाले अनगिनत पॉइंट्स अनगिनत वो सारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कि इस इक्वेशन पर आने वाले इस एक, इस लाइन पर आने वाले ये अनगिनत पॉइंट्स अनगिनत कुछ तो दिखाई भी नहीं दे रहे

तो बोलते हैं लीनियर इन इक्वालिटी लीनियर इन इक्वालिटीज़ अब इसका जब ग्राफ बनता था मान लो एक्स प्लस वाई यहां पर दे रखा है इक्वल्स टू फोर की बात कर लो ठीक है ना तो इस केस में क्या होता था आप बॉक्स तो ऐसे ही बनाओगे जैसे आप बनाते थे समझो एकदम नई चीज है कुछ बच्चों के लिए एक्स जीरो तो वाई फोर वाई जीरो तो एक्स फोर अमीर बच्चा ठीक है ना तो इक्वल्स टू के जैसे ही आप बनाओगे भले यहां पर इक्वल्स टू का साइन हो या ना हो अगर ऐसा भी होगा तो भी आपको यही बॉक्स बनाना है ठीक है ना अब प्लॉटिंग भी लगभग ऐसी ही है सेम डायग्राम ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा इसका भी ये भी चार से जाएगा और ये भी चार्ट से जाएगा ठीक है अब लेकिन हम बात करें हम बात करें इसके ऊपर आने वाले तो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे लेकिन अब एक होता है जिसको बोलते हैं हम जीरो टेस्ट क्या बोलते हैं इसको जीरो टेस्ट ये मैंने नाम रखा हुआ है मेजोरिटी स्कूल यही नाम लेते हैं मतलब मैंने रखा मतलब हम लोगों ने रखा हुआ है नाम किताबों में ऐसा कुछ नाम शायद नहीं है तो जीरो टेस्ट का मतलब क्या है एक्स प्लस वाई एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो और यहां आ गया फोर यहां पे पुट किया ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं टू तो चेक ये बात ट्रू है या फॉल्स ओरिजिन टेस्ट भी कहते हैं कहीं लोग जीरो जीरो पुट किया लेस देन इक्वल्स टू फोर आया जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू फोर ये बात क्या है ट्रू तो अगर वो ट्रू है तो आप शेड करोगे टुवर्ड्स ओरिजिन टुवर्ड्स ओरिजिन और अगर वो बात फॉल्स है तो आप करोगे अवे रोम ओरिजिन अभी ना बहुत बेसिक चीजें चला रहा हूँ बेटा मैं एलपीपी को पढ़ने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सब बता रहा हूँ तो ये आ गया ट्रू ट्रू है तो मतलब ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम करेंगे शेड देखो इसको हम करेंगे शेड तो यहाँ यानी यानी अब मैं शेड जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूं बताता हूं अभी यानी इस लाइन के ऊपर आने वाले इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं यहां आने वाले भी सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे कैसे बताता हूं मान लेते हैं ये वाला पॉइंट लिया कोई भी पॉइंट ले लो जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया ये पॉइंट है लेट्स से माइनस वन और टू ठीक है ना तो -1 और 2 पुट करो -1 2 4 यस देखो ये बात भी सही आ रही है कोई पॉइंट ले लो यहां पर ले लो यहां पर ले लो यहां पर ले लो यहां पर ले लो लेकिन यहां वाला जो पॉइंट होगा लेट से फाइव कौ फाइव पांच कौमा पांच जो होगा वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा चेक कर लो चेक कर लो तो बाहर वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो ये फर्क है इक्वेशन और इनइक्वालिटी के ग्राफ में इक्वेशन का ग्राफ सिर्फ यही बनता है नो शेडिंग इतिहास बता रहा हूं कहानी अब तक और के केस के अंदर आपको यह बताना पड़ता है कि आंसर इस पार है या आंसर इस पार है तो वो बताएगा आपको जीरो टेस्ट। टेस्ट जीरो ट्रू आ गया तो लाइन का जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ होगा फ़ॉल्स आ गया तो ओरिजिन के अगेंस्ट होगा सही है जी यही इक्वेशन अगर ऐसे होती एक्स प्लस वाई ग्रेटर टू फोर तो सब कुछ सेम बनता मैं जीरो टेस्ट करता तो मैं फेल हो जाता

वो अंग्रेजी में नहीं बोल रहा मैं हिंदी में बोलता हूँ ठीक है ना तो वो मेरी गलती है और मैं उसके लिए तहे दिल से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ ठीक है ना बट वो माफी का प्राश्चित अभी इस हफ्ते हो जाएगा इसी कमिंग वीक जैसे आज है ट्यूजडे हाँ आज है ट्यूजडे यस तो आज ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ देख रहे हो आज ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही एडिट कराऊंगा आज ही डाल दूंगा ठीक है ना इंस्टाग्राम पर हर जगह मैं कुछ भी डाल लू मैंने अपनी वाइफ के साथ अभी एक इतनी प्यारी फोटो मेरी डाल डालता नहीं हूं मेरी अभी ना साली की शादी थी साली मतलब सिस्टर लॉ ठीक है ना पंजाबी में साली बोलते हैं तो उसकी शादी थी तो आ, साली तो अगर बाद में बनी पहले मेरी स्टूडेंट थी, थी मतलब एट नाइन्थ टेंथ इलेवन टवेल्थ उसके आगे मैंने उसे पढ़ाया है तो अब उसकी शादी थी तो फोटो वो वोटो ली मेरी वाइफ कहती है आप मेरे साथ कभी कोई फोटो नहीं डालते सिर्फ मैथ्स मैथ मैथ्स की फोटो डालते हो इंस्टाग्राम मैंने कहा ठीक है जी आप फोटो डालेंगे आपके साथ तो मैंने एक स्टोरी लगाई आप भाई साहब स्टोरी का रिप्लाई सुन रहे हो क्या आ रहा है सर यू आर लुकिंग वेरी गुड सर आपकी जोड़ी सलामत रहे लेकिन सर वो प्रोबेबिलिटी और एल आ जाता तो मज़ा आ जाता मतलब तुम ना शुरुआत करते हो प्यार मोहब्बत से उसके बाद तुम अपना काम निकलवा लेते हो लेकिन ठीक है ऑल दो माई मिस्टेक मैं बिजी रह गया था छः सात दिन में यार चलो लेकिन अब वो प्राचित हो जाएगा तो संडे या मंडे के आसपास आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा उसमें बहुत मेहनत लगेगी बहुत मेहनत लगेगी वो सेम डे पर शूट होके नहीं काम किया जा सकता उसमें थोड़ी मेहनत लगाऊंगा मैं ठीक है ना सुपर वन शॉट चाहिए तो ना ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम टू हैपन ऐसा कुछ है तो यहां पर यहां पर आपको कॉम्युनिकेशन मेरे साथ आपको पता ही है आपने सारे लेक्चर देखे होंगे तो बताना पड़ेगा जब जब पूछूंगा समझ में आ गया तो हैशटैग समझ में आ गया ठीक है ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने

उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो एल चैप्टर पढ़ने के लिए वरना ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है ना चलो तो शुरू करते हैं जैसे पहला टॉपिक मैंने क्या ले लिया पहला क्वेश्चन मैंने जो ले लिया वो ये ले लिया लेट से आपको इसका ग्राफ बनाना है जैसे टू एक्स प्लस वाई लेस देन एक प्लस टू वाई लेस देन टू ट्वेल्व ऐसे ले लिया बेटा मैंने ठीक है ना ये ले लिया मैंने गोडेट अब इसका हमें कॉमन पोर्शन शेड्यूल निकालना तो मैंने बताया था पहले तो आपको इसको एज अ एक्व टू ट्रीट करके बॉक्स बना लेना है मुझे लग रहा है सारे बच्चे ही अमीर बच्चे हैं इतना काम तो ट्वेल्थ वाला बच्चा कर ही रहा है एक्स को जीरो पुट करूंगा वाई सिक्स आएगा वाई को जीरो पुट करूंगा एक्स थ्री आएगा फिर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व आ गया भैया यहाँ पर और यहाँ पर बात करेंगे तो ये आ गया एक्स और वाई एक्स को जीरो पुट करूंगा तो वाई सिक्स आएगा वाई को जीरो पुट करूंगा तो एक्स ट्वेल्व आ जाएगा क्लियर है जी अब जब हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखो हम जब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे और शेडेड करेंगे ये आ गया जी ग्राफ हम्म देखो ये आ गया ओरिजिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ऐसे आ गया एक्स ट्वेल्व भी है ठीक है ना तो थोड़ा सा और इस ग्राफ को एक्सटेंड कर देते हैं तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा जी बारह ठीक है जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे बनाना है तो उसमें बॉक्स बने हुए हैं मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ इसको प्लॉट करो इसको प्लॉट कर रहे हैं हम लेट से पिंक कलर से एक्स जीरो वाई सिक्स एक्स जीरो वाई सिक्स एक दो तीन चार पांच एक्स जीरो वाई सिक्स आ गया और एक्स तीन आ गया ये आ गया बेटा अब यहां पर हमने लाइन खींच देनी है लो जी थोड़ा सा मेरा अच्छा लाइन स्ट्रेट ही होनी चाहिए बताया ना आपको अब थोड़ा सा मेरा ऐसे ही जाएगा क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ समझ रहे हो अब आप फील करोगे बस उसको उसे फील कर लेना बेटा पहली लाइन ऐसे आ गई दूसरी लाइन क्या है एक्स जीरो वाई सिक्स है एक्स जीरो वाई सिक्स इधर भी आ रहा है एक्स जीरो वाई सिक्स इधर भी आ गया ये वाला पॉइंट कॉमन हो गया और वाई ट्वेल्व आ गया ये वाला पॉइंट हो गया तो अब इसका लाइन बनाएंगे येलो जी बना दिया ठीक है ना समझ रहे हो ऐसे लाइन चली गई और इसका भी फ्रेम कलर हम ये लेट ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा समझ आ गया ये तो हो गया पुराना काम अब यहां पर हमें करना है दोनों का जीरो टेस्ट जीरो टेस्ट करोगे जीरो टेस्ट करोगे वो हो गया 2x plus y less than equals to 6 ठीक है ना तो 0 plus 0 less than equals to 6 ये बात के आगे बेटा ट्रू तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन ट्रू ट्रू का मतलब क्या है ओरिजिन की तरफ शेड करना है ये एरो का मतलब क्या कह रहा है ये इधर ही जाएगा ये वाली लाइन जो है ये जो लाइन हमने बनाई है ये इधर शेड हो रही है इसका देखेंगे x plus 2y less than equals to 12 0 लेस देन टू टूट ये बात भी क्या आ रही है भैया ट्रू आ रही है तो ये जो नीली रंग की लाइन है ये भी क्या कह रही है भैया हम इधर ही शेड होंगे दोनों इधर अब आपको निकालना है कॉमन पोर्शन यहां पर तो डायरेक्ट हो गया था यहां निकालना है दोनों का कॉमन पोर्शन देखो समझो ये कह रहा है इधर और ये कह रहा है इधर आओ तुम्हारे लिए थोड़ी मदद करते हैं अभी हटा देंगे समझना फील करना है लेकिन ठीक है ना फील करना है क्या कह रहा है क्या कह रहा है क्या कह रहा है इस लाइन को देखो ये कह रहा है इधर सही है जी ओके और और ये कह रहा है इधर रफ में जाकर आप ये काम कर सकते हो तो ध्यान से देखना कॉमन पोर्शन ये नहीं है जहां नीला और हरा दोनों है ये और ये कॉमन नहीं है कॉमन है सिर्फ ये वाला समझ रहे हो तो हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन शेड कर देंगे और कॉमन पोर्शन शेड हम कर देते हैं कौन से कलर से uh, मान लेते हैं स्काई ब्लू कलर से तो ये वाला कॉमन पोर्शन शेड आ जाएगा समझ तो रहे हो दिस इज़ योर आंसर अब यहां पर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा यानी इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी और ये वाले सारे जो पॉइंट्स होंगे वो इन दोनों को क्या करेंगे Satisfy. दोनों को क्या करेंगे सेटिस ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो इस वाई लाइन को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और ये वाला पॉइंट भी इसको कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कर रहा। तो आपको क्रिएट करना पड़ता है। सही? एक और ऊपर लेके चले आओ एक लेवल और ऊपर लेके चलते हैं। इतना समझ में आ गया साथ बना भी सटते बेटा मेरे साथ ठीक है लेट से मैं इक्वेशंस बड़ी बेसिक बेसिक से रख रहा हूं एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई लेस देन से हमारे पास ये खुद ही बना रहा हूं नाटर थोड़ा बड़ा कर दो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देते है जी अब बढ़िया दिख रहा है चलो तो अब इसका अगर हम बनाते हैं तो x प्लस वाईक्स टू टेन आ गया बॉक्स क्रिएट कर देंगे बेटा ये आ गया ठीक है है ना P X y 12. इसका बॉक्स तैयार कर लो बच्चों तो वाई कितना आ रहा भैया तीन और वाई जीरो तो आ गया भैया फोर ठीक है जी ग्राफ बना देंगे बेटा लेवल हाँ जी पहले प्यार दी पहली देखो, ये आ गया जीरो। One, two, three, four, five। One, two, three, four, five। ज़ुम्बा चल रहा है। हाँ जी। तो x zero, y five। ये आ गया पाँच। ये भी आ गया पाँच। लाइन खींच देंगे। हाथ से खींच दूँ? चलो। हाथ से मैं मतलब ऐसे नहीं किता, ठीक ठाक ही खींच देता हूँ। ये आ गया भैया। सही है और ये वाला आ गया x जीरो वाई थ्री है y थ्री है ये रहा वाई थ्री और x फोर आ गया जी ये आ गया जी हमारा चार तो यहां से जो लाइन आ गई वो ऐसे आ गई कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आगे जाकर अब इनका अगर हम जीरो टेस्ट करेंगे तो x प्लस वाई लेस देन एकसल्स टेन, टेन ये बात क्या आ रही है बेटा ट्रू आ रही है समझ तो जो x प्लस वाई ये कौन सी इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू टेन ये क्या कह रही है, ट्रू है।, तो ये इधर है ना ठीक है ना और ये वाला देखते हैं तो ये बात क्या आ गई फॉल्स आ गई आ गई ठीक है ना फॉल्स आ गई तो ये लाइन कह रही है ओरिजिन के अगेंस्ट जाएंगे ओरिजिन के अगेंस्ट जाएंगे अब आपको कॉमन पोर्शन खुद ही दिख गया होगा कॉमन पोर्शन खुद ही दिख गया होगा तो आ गया कॉमन पोर्शन सही है जी इतना ही सिंपल गेम है कॉमन पोर्शन ढूंढना कॉमन पोर्शन ढूंढना अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये बात ट्रू कैसे हो गई जीरो बराबर तो है ही नहीं दस के बेटा ये क्या है इसको क्या पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन या तो कम हो या बराबर दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो रही है तो ठीक है दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो रही है तो ठीक है ना ट्रू है, बता है ना बेटा तो इस किसम से ये काम चल रहा है अब इसके अंदर ना छोटी छोटी दो बातें और ऐड कर देते हैं अब कहीं पर तुमने ये देख लिया एक्स इज ग्रेटर वाई इज ग्रेटर अब इसका मतलब क्या है अगर ये इस क्वेश्चन में भी होता तो शेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर शेड होगा मान लो इसी क्वेश्चन में ये दो बातें भी बोली होती तो हमारा कॉमन पोर्शन सिर्फ ये वाला हो जाता जो ये वाला है मैं आपको कलर करके दिखाता हूं फिर हटा दूंगा हमारा कॉमन पोर्शन सिर्फ ये वाला हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला ठीक है जी और मैं आपको एक और बहुत बता दूं पूरे एलपीपी चैप्टर के अंदर पूरे एलपीपी चैप्टर के अंदर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही गेम है भैया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही गेम है ये आएगा ही आएगा टेज हर जगह आएगा अब एलपीपी का मतलब क्या है ये तो मैंने तुमको बताया नहीं ना अभी आने दो अब देख रहे हो कितना बड़ा ट्रेलर चल रहा है टीजर चल रहा है, है? कहानी अब तक कितनी बड़ी चल रही है

एक समस्या और आती है अभी आपके मन में सवाल आ चुका होगा किस किस-किस के मन में सवाल आ गया है तो हम ओरिजिन तो के अगेंस्ट शेड करेंगे सर अगर लाइन ही ओरिजिन से पास आउट हो जाए तो क्या करेंगे देखो जैसे ऐसी कुछ लाइन होती है थ्री एक्स थ्री एक्स इज ग्रेटर टू वाई ठीक है ना अब इसका अगर हम बॉक्स बनाते हैं चेक करो तो इसका अगर हम बॉक्स बनाते हैं एक्स को जीरो पुट करूंगा तो वाई भी क्या आएगा जीरो वाई को वन पुट करूंगा तो एक्स कितना आ जाएगा तीन ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे सर तो हम क्या करेंगे आओ बताता हूं सबसे पहले तो ग्राफ बना लो ठीक है ना सिर्फ एक का ही ग्राफ बना के दिखा रहा हूं कि ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए देखो तो इस केस में हमारी जो लाइन है वो यूजुअली ऐसे जाती है बेटा यूजुअली लाइन हमारी ऐसे जाती है ओरिजिन से ठीक है ऐसे जा सकती ऐसे जा सकती है ज्यादा से ज्यादा ठीक है ना या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी कैसे भी चली जाएगी अब यहां पर आप अगर करते हो जीरो टेस्ट अगर आप यहां पर करते हो बेटा जीरो टेस्ट करते हो तो कोई फायदा ही नहीं होगा देखो मैं कह रहा हूं जीरो टेस्ट ट्रू आ जाए या फॉल्स आ जाए कैसे बताओगे ओरिजिन की तरफ क्या और ओरिजिन के अगेंस्ट क्या आप तो खुद ओरिजिन पे खड़े हुए हो मैं ट्रू आ गया तो कहा है ओरिजिन अरे हम तो खुद ओरिजिन भाई तो ऐसे केस में हम ओरिजिन टेस्ट नहीं करेंगे जीरो टेस्ट नहीं करेंगे। हम जीरो जीरो टेस्ट नहीं नहीं करेंगे करेंगे हम पुट तो यहां पर मैंने अपने पूरे में में साइंस एंड फंड एक शब्द कॉमन ले रखा है आप कुछ भी पुट कर सकते हो दुनिया जान का कोई भी कॉर्डिनेट हम इसको बोलते हैं थ्री जीरो टेस्ट पता लिख कर नहीं आना पेपर में थ्री जीरो टेस्ट <laughs> ये हमने नाम दे दिया थ्री जीरो टेस्ट क्योंकि तीन मेरा लकी नंबर है थ्री जीरो टेस्ट। तो अब की जगह करेंगे करेंगे और वाई की जगह तो क्या ग्रेटर देन जीरो है हाँ जी ट्रू है कभी-कभी भी आएगा कभी आएगा अगर ट्रू आया तो इधर होता, होता है ना कहीं थ्री जीरो तो हम उस पॉइंट की तरफ शेड करेंगे वैसे क्या होता है जो भी पॉइंट आप पुट करोगे वो ट्रू आता है तो उस पॉइंट की तरफ शेड कर रहे थे जीरो जीरो ट्रू आता है तो हम ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं ऐसे ही थ्री जीरो टेस्ट करूंगा अगर मैं तो मैं x की जगह तीन और y की जगह किया ये ट्रू आया तो थ्री इधर होता ना होता ना ना कहीं यही की तो। आता तो इधर ठीक है जी तो चार तो चार बातें हो गई समझ में आ कॉमन कैसे, कैसे निकालना ये भी समझ में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा जब एक्स इज ग्रेटर जीरो मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको शेड मारना है चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अगर लाइन ओरिजिन से ही जा रही है कुछ क्वेश्चन करोगे तो दिखेगा हो सकता है मेरी आज इस पीपीटी के के अंदर अंदर वो क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आपके एनसीईआरटी हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर ओरिजिन से जा रही है वो लाइन तो आपको क्या करना है शेड करना है कहां पर कहां पर कहां पर थ्री जीरो थ्री जीरो पॉजिटिव आया ट्रू आया तो पॉजिटिव मतलब ट्रू आया तो उसकी तरफ फॉल्स आया तो उसके अगेंस्ट सही है जी तो पहले 24 मिनट भाई साहब पहले 24 मिनट तो भाई ने तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया बहुत बढ़िया तालियां हो जानी चाहिए इस बात के लिए एक हर्ट आ जाना चाहिए इस बात के लिए अब हम बात करेंगे अब एल चैप्टर की अब एल चैप्टर है क्या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहाँ काम आता है यही पूछते हो ना तुम जिंदगी के अंदर सर मैथ्स कहाँ काम आ रही है ये कहाँ काम आ रहा है तो बेटा अभी तो बता दूं अभी सी बी एस ई ने ना कुछ सालों से इसके वर्ड प्रॉब्लम डिलीट कर दिए लेकिन अगर पुरानी किताब उठाकर देख लो और वर्ड प्रॉब्लम से पढ़ लो अभी तो क्या इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है वहां बनानी होती थी और काम करना होता था सिंपल सी बात है लेकिन वो जनुअली हमारी डेली जो एक बिजनेसमैन हो गया या एक मैन्युफैक्चरर हो गया उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली इक्वेशन बनाता था एक एग्जांपल लूंगा बहुत सारे एग्जांपल ले लूंगा मान लेते हैं कि मेरे पास पांच किलो आटा है और तीन किलो घी है टोटल ऐसा कुछ है ठीक है ना और मेरे को दो टाइप के केक बनाने आते हैं केक वन एंड केक टू पहले केक को बनाने के लिए मान लेते हैं आधा किलो आटा लगता है और 200 ग्राम घी लगता है दूसरे केक को बनाने के लिए मुझे 400 ग्राम आटा लगता है और 250 ग्राम घी लगता है अब मुझे बताओ कि मैं कितने केक वन बनाऊं और कितने केक टू कि ताकि मैं मैक्सिमम केक की प्रोडक्शन कर पाऊं मैं मैक्सिमम केक की प्रोडक्शन कर पाऊं ठीक है जी और देखो मान लो मेरे पास सत्तर लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए इन बिजनेस ऑफ कंप्यूटर्स एक डेस्कटॉप मॉडल आता है पच्चीस मॉडल आता है फॉर एग्जांपल पैंतीस हजार रुपए का सही है जी एक डेस्कटॉप मॉडल को बेचकर मुझे ढाई सौ रुपए का प्रॉफिट होता है और एक पोर्टेबल मॉडल को बेचकर मुझे हजार रुपए का प्रॉफिट तो मैं कितने डेस्कटॉप मॉडल खरीदू और कितने पोर्टेबल मॉडल खरीदू ताकि उनको बेचकर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ये कहानियां हैं हो सकता है मैंने कोई एग्जाम्पल कम या ज्यादा करके बताया हो तो ये इस लेवल का टॉपिक है और आगे जाकर आपको इवेंचुअली ट्वेल्थ के बाद ये दोबारा से पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक अभी अधूरा पढ़ाया जा रहा है आपको अभी आपको सिर्फ इक्वेशन दी जा रही है और काम किया जा रहा है अब पर क्या है सोल्व ये जो जेड होगा ना देखो मैक् नहीं छोड़ रहा है कॉस्ट हो सकती है नंबर ऑफ गुड्स हो सकते हैं नंबर ऑफ केक्स हो सकते हो सकते हैं ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कुछ भी हो सकता है यहां पर मैक्सिमाइज भी आ सकता है और मिनिमाइज भी आ सकता है उसका काम लास्ट में है पहले

ये कंडीशन क्या कह रही है इसका कोई काम नहीं होता इसका बस ये काम है बताया था बेटा शेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका काम सिर्फ इतना है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड मारना है तो देखो सबसे पहला काम वही है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट वाली को ले लो यहां पर तो एक ही दे रखी है आगे जाओगे तो बेटा दो आ जाएंगे थोड़ा और आगे चलोगे मेरे साथ तो बेटा यहां भी दो ही है थोड़ा और आगे चलोगे तो बेटा यहां पर तीन आ जाएंगे यहां पर कितनी आ जाएंगी तीन आज बेटा तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे लेकर आया हूँ खैर ऐसी बातें सारी वैरायटी खत्म कर देंगे और एक कहानी बताऊंगा अपनी दुख भरी कहानी भी आएगी आज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू फोर तो ये आ गया बेटा बॉक्स बनाया सिंपल सा है जीरो फोर अभी बनाया था जीरो फोर गॉलेज ग्राफ बनाएंगे प्यारा सा ग्राफ बना देंगे प्यारा सा चलो ये ठीक है यह आ गया जी तो ये आ गया और वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और एक्स अब देखो मैं प्यारा प्यारा बुराफ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके को आपको घर पे घर पे कह रहा हूँ स्कूल में बनाना है पेपर के समय तो एक्स फोर और वाई भी फोर है ठीक है अब ये लाइन खींच देते हैं कोशिश करते हैं इससे बन जाए स्ट्रेट लाइन आ ही जाएगी आ गई आगे मजा आ गया ठीक है ना इसका नाम यहां पर इन इक्वालिटी लिखनी है आपको क्या है बेटा एक्स प्लस वाई लेस इक्वल्स टू फोर यह है अभी तक कुछ नया काम नहीं चल रहा फिर आप जाओगे खोपचे में और उसका जीरो जीरो टेस्ट टेस्ट कर लोगे जीरो टेस्ट का नाम ना ही लिखो तो बेहतर है रफ में भी कर सकते हो अब ट्वेल्थ में आ गए ना अब तो तो ये आ गया जीरो देन फोर बात बिल्कुल क्या है भैया ट्रू है ट्रू है तो छोटा सा एरो इधर डाल देना अब हमारा होगा शेरिज पोर्शन ये पूरी लाइन यहाँ पे शेड कह रही है लेकिन ये ये कहा नीचे कैसे आ गई ये ये ऊपर चलना एक सेकेंड चलो जो भी है ये नीचे आ गए अच्छा क्वेश्चन हिल गया ये चलो तुम समझ गए हो ना यार तुम समझ गए हो ना डिलीट मार चलो ठीक है ना बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा हिल गया था कोई बात नहीं तो ये एक लाइन आ गई इसका मतलब क्या बेटा शेड इन फर्स्ट तो हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में शेड करना है तो ये आएगा बेटा हमारा शेड इन फर्स्ट सही है यहां तक का काम मैं तुमको पहले चौबीस पच्चीस मिनट में सिखा चुका हूं इस साल क्या करना है सुन के हंसी आ जाएगी तुमको इस साल क्या करना है अरे भाई इस साल बस एक छोटी सी टेबल बनानी है बस और कुछ नहीं करना और ये टेबल में क्या है देखो ये आ जाएंगे पॉइंट्स कुछ टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे अभी हम जो तुमको एमसीक्यू सॉल्व करने में बड़ी मदद करेगा देखो पहली बात हमें अब निकालने हैं आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या निकालने हैं कॉर्नर पॉइंट्स अब समझो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं ये हमारा इस रीजन को बोलते हो आप फिजिएबल रीजन क्या बोलते हो बेटा फिजिएबल रीजन ये है याद रखोगे इस्लाम को जो शेरिज पोर्शन होता है उसको तो कहते हैं और अभी फिलहाल ये आया है है मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके तीन दिख 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 रहे 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 हैं हैं मुझे कि नहीं दिख रहे? एक का नाम आ गया ए विच इज फोर कॉमा जीरो और एक का नाम आ गया बी विच इज जीरो बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स क्या बोलते हैं बेटा कॉर्नर पॉइंट्स ठीक है ना तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं तो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं पेपर में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा लिख दो तो भी चलेगा जीरो जीरो आ गया फिर ए आ गया फोर कॉमा जीरो और बी आ गया जीरो कॉमा फोर अब कॉर्नर पॉइंट तीन चार पांच छह दस कितने भी हो सकते हैं वैसे मैक्सम मैंने चार पांच ही देखे उसके बाद आ गया बेटा यहां पर अब इन चारों के चारों तीनों के तीनों कॉर्नर पॉइंट को आपको पुट करना है तीनों के तीनों को ठीक है जी बस इतना ही सिंपल काम है तो जेड की वैल्यू जीरो आ गई Z Z की Z की वैल्यू वैल्यू 12 आ आ गई गई और 16 किस पॉइंट पे सबसे है? वो आपको है, है ना? क्योंकि में क्या बोल रखा है मैक्सिमम ठीक है? है ना ये देखो अब मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया हुआ है तो हमारा यहां पर क्या आ रहा है बेटा ये देखो मैक्सिमम आ रहा है तो देयरफॉर जो हमारा आंसर होगा हमारा आंसर क्या होगा तो दस क्सिमम एट बी ए बी सी था सॉरी ये तो ओरिजिन था यह ए था यह बी था एट बी जीरो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है बेटा हमारी सोलह है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी क्या है सोलह है अब आप देखो ना ये काम आपको पहले से आता है ये काम आपको पहले से आता है तीन टर्म्स दो, दो टर्म्स मैंने आपको बता दिए

स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आराम से देख लो मैं साइड साइड हट जाता हूं आराम से देख लो बड़े प्यारे तरीके से मैंने तुमको ये साबित करके बता दिया है और देखो और देखो ये क्वेश्चन आ गया सेम क्वेश्चन है है Z दे रखा है, Z आपको दिया हुआ है Z क्या दिया हुआ है आपको क्या करना है इस बारी मिनिमाइज करना है क्या करना है मिनिमाइज करना है ये हमारी इक्वेशन आ गई और इसके बाद क्या क्या रखा है दो इक्वेशन है हमारे पास एक इक्वेशन ये है एक इन ये है और इसका मतलब तुम्हें तो पता ही है क्या है शेड इन फर्स्ट क्वार्टर अब दोनों का कॉमन पोर्शन निकालना है तो देखो यहाँ पर आया भैया x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू एट आया तो बॉक्स बना लो बेटा इसका x जीरो y कितना आ जाएगा फोर y जीरो x आ जाएगा एट थ्री एक्स प्लस यहां पर देख लेंगे भैया x को क्या पुट किया जीरो तो y आ गया सिक्स y को पुट किया जीरो तो x आ जाएगा फोर सही है बेटा अब इसका ग्राफ बना लेते हैं इसका ग्राफ बना लो ठीक हम्म आ गया जी ग्राफ और आ... हो तो दो चार छ आठ दो चार छ आठ ऐसे लेते हैं ठीक है ना एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश सब लिख लेना एक्स जीरो वाई फोर एक्स जीरो वाई फोर ये आ गया और एक्स एट आ गया तो एक लाइन हमारी ऐसे बन हुई एक लाइन हमारी ऐसे बन गई है यहां पर हम लिख देंगे x प्लस टू वाई लेस देन एक टू एट ये लाइन ये लिखना थोड़ा जरूरी है ठीक है ना बेटा तभी आप भी बाईफ कर पाओगे कैसा है कैसा नहीं है फिर y आ गया जी सिक्स इधर आ गया जी सिक्स और दूसरा आ गया जी फोर ये आ गया जी फोर बनाओ जी एक और लाइन बनाओ ठीक है जी ये बन गई और इसका कलर दे देते हैं हम ये वाला दे देते हैं यहां पर आ गया जी ये थ्री एक्स प्लस टू वाई लेस देन एक टू बारह ठीक है जी थोड़ा दे देना आगे जाके तक थोड़ा सा ना दिल खोल के काम करना पूरा पूरा बढ़ा देना फ्री का तो ग्राफ है वहां पेपर में खैर हमने पैसे दिए हैं खैर उस बात की ऐसी बात तो नहीं है तो अब यहां पर आ गया जी सही है जी अब इसका करना है जीरो टेस्ट इसका करेंगे ज़ीरो टेस्ट ये बात आ गई है ट्रू इसका करो जीरो तो भी क्या आ गई है ट्रू और ये कह रहा है शेड कहाँ पर होगा खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आराम से देख लो रफ में जाकर भी निकाल सकते हो तो ये आ गया बेटा आपका शेडेड पोर्शन ठीक है थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो अब यहां पर यह है हमारा फिजिबल रीजन हमारे पास देखो एक ये कॉर्नर पॉइंट्स है जीरो जीरो एक ये कॉर्नर पॉइंट्स है फोर कॉमा जीरो एक ये वाला पॉइंट है बी और ये एक है सी ये क्या है बेटा हमारा जीरो कॉमा फोर अब मेरी बात ढंग सुनना बी पॉइंट अगर तुम ग्राफ पे काम कर रहे हो या तुम ग्राफ पे काम नहीं कर रहे हो बी पॉइंट ऐसे देखकर निकल सकता है कि यहां पर क्या और यहां पर क्या है लेकिन निकालना नहीं है मन की शांति जरूर कर लेना कभी कभी क्या होता है दिखता है टू और वन लेकिन वो होता है वन पॉइंट नाइन और पॉइंट समथिंग तो फिर आप परेशान हो जाओगे फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं पॉइंट तो इस पॉइंट को निकालने के लिए सिंपल एक काम है इन दोनों इक्वेशन को रफ में जाकर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो ये तो आता है ना तुमको एलिमिनेशन से जाकर रफ आ गया माइनस फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू एक्स की वैल्यू टू यहाँ पे पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई तीन तो ये हमको अगर ग्राफ पे दिख रहा है तो ठीक है लेकिन फिर भी रफ में जाकर हार्डली 30 seconds लगेंगे तुमको लेकिन तुम्हारा जो पॉइंट आएगा वो एकदम ठीक आ जाएगा मन की शांति हो जाएगी हाँ भाई ग्राफ पे भी तीन दो ही दिख रहा है देख रहे हो ना दो या टू और थ्री दिख रहा है और वैसे ही मेरा क्या आ रहा है टू और थ्री। कभी, -कभी क्या होता है? ये टू होता नहीं है कभी कभी क्या होता है ये वन पॉइंट नाइन समथिंग होता है तो वो आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करके पता चलेगा ना इक्वेशन को सॉल्व करके पता चलेगा आप वैसे देख कर नहीं बता पाओगे चलो फिलहाल तो ये आ गया हमारा एग्जैक्ट टू कॉमर थ्री अब हमारा जो मेन काम है वो क्या है बेटा बॉक्स बनाना वो वो क्या बेटा बॉक्स बनाना और पीछे बना लेते हैं बॉक्स बढ़िया सा बनाएंगे ठीक है ना बढ़िया सा एक बॉक्स बना लेते हैं इसी के ही नंबर है सारे के सारे यही है मेन काम जो हमें करना है ठीक है ना और यहां पर आ गया बेटा हमारा कॉर्नर पॉइंट्स इसको आप क्या बोलोगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ आ गया बेटा हमारा जेड माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई है जी ये दिया हुआ है कॉर्नर पॉइंट्स क्या है ये रहे हमारे चार कॉर्नर पॉइंट्स हैं पहला है जीरो जीरो ए आ गया फोर जीरो बी आ गया टू थ्री और सी आ गया जीरो कॉमा फोर ये चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपको सब्सटीट्यूट करने हैं इन द इक्वेशन जेड वाली तो ये आ गया बेटा हमारा जीरो ये आ गया बेटा हमारा माइनस बारह ये आ गया माइनस थ्री इंटू टू तो ये आ गया बेटा हमारा छः और ये आ गया हमारा सोलह आपको वैल्यू कौन सी निकालनी है मिनिमम क्या निकालनी है? तो चार पॉइंट पॉइंट टू रिमेंबर और बताऊंगा बस चैप्टर खत्म सा होने वाला है बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है मजा कब आएगा अभी तो बाउंडेड चल रहा है रीजन क्या चल रहा है ठीक है ना केस अभी दो आएंगे जिसके अंदर अनबाउंडेड रीजन है फिर एक केस अभी आएगा सर क्या हो सर दो बारी माइनस ट्वेल्व आ जाए ना सर इस पी वैल्यू माइनस ट्वेल्व आ रही है माइनस ट्वेल्व आ रही तो आंसर कौन सा है सर तो अभी इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा सिर्फ दे इतना देख कर नहीं जा सकते तुम तो देर फोर देर फोर जेड इज मिनिमम एट ए फोर कॉमा जीरो एंड जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा माइनस ट्वेल्व होगी सही है क्लियर सिंपल सिंपल है जी सिंपल है जी आओ जी आगे बढ़ेंगे जी अब जैसे ये क्वेश्चन आया अब ये क्वेश्चन आया मिनिमाइज ये करना है तो पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई है तो इसका बॉक्स तैयार कर ले प्रेजेंटेशन पर आप तुम ध्यान दे दोगे तुमको एक दो क्वेश्चन मैंने विदाउट पूरा प्रेजेंटेशन के साथ दिखा दिया एक्स जीरो वाई वन वाई जीरो एक्स थ्री ठीक है बेटा फिर तो इसका बॉक्स बना लो बच्चों बेसिक बेसिक है ना ये तो एक्स जीरो वाई टू वाई जीरो जीरो वाई जीरो लेता हूँ इसका मतलब है शेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आओ ग्राफ बनाएंगे बड़ा ही प्यारा हाँ जी तब तक तुम ये बताओ तुम लोगों के प्री बोर्ड हो गए हैं और अगर हो गए हैं तो कितने नंबर आए झूठ नहीं बोलोगे मेरे से झूठ नहीं बोलोगे मेरे से माँ कसम कह रहा हूँ सही नंबर लिखना सही नंबर लिखना सही नंबर लिखना मैथ्स के पूछ रहा हूं खाली मैथ्स के सही नंबर बताओ मैथ्स में कितने आए तब तक मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ वन टू थ्री वन टू थ्री फोर सही है जी वाई वन आ गया ये तीन आ गया अब ये तुम्हें बनाना आ गया होगा ना बेटा हाँ जी ये तुम्हें बनाना आ गया होगा चलो यहां पर आ गया ये एक्स प्लस आ गया x प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री दूसरा पॉइंट आ गया दोनों पे टू और टू है एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा बनाओ जी ग्राफ सही है जी यह आ गया, गया जी तो यहां पर आ गया x प्लस वाई ग्रेटर देन समझना भैया समझने वाला काम आ गया देखो यहां पर आ गया एक्स प्लस थ्री वाई ग्रेटर देन तो अगर हम यहां पर जीरो टेस्ट करते हैं क्या जीरो तीन से बड़ा है नहीं चलो कोई तो फॉल्स आया तो ये कह रहा है भैया फॉल्स मैं तो यहां पर जाऊँगा ठीक है ना फिर ये क्या कह रहा है

ठीक है ना वो तो बैठ ही करती रहती हैं मतलब नो हेट अच्छी बात है लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज भी बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं इन सब की प्रेजेंटेशन के अंदर समय है लास्ट में आप कर सकते हो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं मेरे ऑफलाइन के बच्चे जब ये टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो सारा समय शेडिंग में निकाल देते हैं शेडिंग थोड़ी बहुत ऐसी ही कर दो लास्ट में समय बचा जितना डेकोरेट करना उतना करो विध पेंसिल लोनली ठीक है ना कहीं स्पार्कलिंग पेंसिल लेके चले जाओ आप चलो तो ये कहानी आ गई ये हमारा आ गया जी शेडेड पोर्शन लेकिन ये इस बार ये क्या आ रहा है अनबाउंडेड आ रहा है ये क्या है अनबाउंडेड आ रहा है लिख देता हूं तुम्हारे लिए ये आ रहा है अनबाउंडेड शेडेड रीजन अनबाउंडेड फीजिबल रीजन ठीक है ना तो इसमें काम कैसे होगा सर आओ बताते हैं सेम काम है कोई फर्क नहीं है सिवाय एक दुख भरी कहानी के बताता हूँ अभी तो यहां पर आया जी ए पॉइंट व्हिच इज 4,0 ये वाला बी पॉइंट तुमको निकालना पड़ेगा और ये सी पॉइंट आ गया हमारा जीरो कॉमा टू ठीक है ना सबसे पहले तो रफ में जाकर बी पॉइंट निकाल लो ये राजी हमारा रफ तो एक्स प्लस थ्री वाईक्स टू थ्री और एक्स प्लस वाईक्स टू टू तो, तो माइनस 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 ये आ गया टू वाई इज इक्वल्स टू वन देख रहे हो अब टू वाई इज इक्वल्स टू वन तो ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा वाई की वैल्यू हाफ आ गई तो x की वैल्यू आ गई बेटा देखो थ्री बाई टू तो ये फ्रैक्शनल पॉइंट्स आ रहे हैं ये आ रही है हमारी x आ, गया हमारा थ्री बाई टू और y आ गया बेटा हमारा फ्रैक्शनल अब हम कहा जाएंगे फिर वही अभी तक कुछ नहीं बदला है अनबाउंडी के अंदर सब कुछ सेम चल रहा है बॉक्स बनाएंगे और हमारे कॉर्नर पॉइंट्स भी वही हैं जो आपको दिख रहे हैं अभी फिलहाल ठीक है जी कॉर्नर पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स वही है जो आपको दिख रहे हैं क्या दिख रहे हैं ये रहा ए 4,0 ए दिख रहा है 4,0 बी अभी-अभी आपने निकाला 3/2, 1/2 और सी कितना था बेटा 0,2 और जेड की इक्वेशन क्या है 3x+5y ठीक है ना बिल्कुल सही है ठीक है और यहां पर हम पुट करते हैं तो 4 कितना आ गया भैया 12 यहां पर हम पुट करते हैं नाइन बाई टू प्लस फाइव बाई टू तो यह आ गया सेवन और Z यहां पर पुट करते हैं तो कितना आता है टेन आपको करना है मिनिमाइज तो मिनिमाइज यहां पर हो गया तो अब देखो अब मैं ना यहां पर आंसर लिख कर आया था तो Z इज मिनिमम एट B थ्री बाई टू कॉम वन बाई टू एंड मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यूज सेवन तो जब मैं तुम्हारे बराबर था जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था समझ रहे हो जब मैं तुम्हारे बराबर था ना प्यारे बच्चों तो वहां एक गेम थी वो गेम क्या थी मतलब गेम का मतलब क्या है कि मैं मैथ में बहुत अच्छा था मैं अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट सेकंड वाला बच्चा था खास करके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मैंने अपना जो पेस पकड़ा ना मैथमेटिक्स को अच्छा दिखाने वाला या समझने वाला या मुझे जो इंटरेस्ट आया वो आफ्टर सेवन स्टैंडर्ड आया सेवन्थ या एट्थ स्टैंडर्ड नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ डैम गुड ठीक है ना तेंग, 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 तो मुझे आ, क्या हुआ एक हमारी मैम थी मैं जिस टीचर की वजह से इस प्रोफेशन में आया वो मेरी ट्वेल्थ की मैथ्स की टीचर थी नीलम साहनी मैम जो हज़ार तालियाँ उनके लिए पता नहीं अब वो इस धरती पर हैं या नहीं है मुझे नहीं पता मैं उनके टच में बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन जब वो मेरे को पढ़ा रही तब वो बहुत ओल्ड एज थी ठीक है ना वो हमारी क्लास के कुछ ऐसे बच्चों की मदर को पढ़ा चुकी थी समर इतना लाइफ टाइम स्पैन था दो साल बाद उनकी शायद रिटायरमेंट थी तो बहुत अच्छी टीचर थी तो बहुत एजिड टीचर थी तो उन्होंने हमको ये सब पढ़ाते थे मैं ट्यूशन व्यूशन ज्यादा नहीं पढ़ता था तो यहाँ पर हम लोगों को ये चैप्टर आया हमारा प्री बोर्ड हुआ अब प्री बोर्ड के केस के अंदर अब मैंने जो बात तुमको बताने जा रहा हूँ ना मैंने नहीं सुनी थी तो सुनना तुम लोग प्री बोर्ड के केस में ऐसा ही क्वेश्चन आया और मैं ये आंसर लिख कर आया और पीछे से अगर आप देखोगे अगर ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो आंसर मैच कर रहा है हो गया आंसर तो मैं भी लिख कर आ गया तो मैडम ने मुझे आउट ऑफ सिक्स अभी छः नंबर का क्वेश्चन आता था आउट ऑफ सिक्स चार नंबर दिए थे तो मैंने कहा यार चल मेरे नाइन्टी प्लस तो आई गए मैं गया नहीं पूछने के लिए मेरे को लगा अब मेरे दोस्त ने किया हुआ है वो भी ठीक है मैं उसको पूरे छः दिए हुए हैं मुझे दिए हुए हैं चार नंबर मैंने ढंग से देखा ही नहीं क्या कमी है मेरे में तो मैंने ऐसे बोल दिया या उस समय तो होता है ना गरम गया मैं पा गया यार पता नहीं क्यों ही काट दिया मैडम ने नंबर ऐसा करके वो एटीट्यूड था केयरलेस तो छोड़ दिया मैंने फिर सेकंड प्री बोर्ड भी हुआ दो प्री बोर्ड भी होते थे हमारे अब भी होते हैं बहुत सारे बच्चों के जब सेकंड प्री बोर्ड हुआ तब भी ऐसे यार अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन आ गया मैं फिर लिख कर आया फिर नंबर काट लिए मेरे फिर मैं दोस्त का देखूँ यार उसका सही है यार मेरा क्यों काट लिए फिर मैं खुंदक में आकर मैडम के पास चला गया मैडम देखो आपने उसका सही कर रखा है मेरा का कर रखा है भाई साहब स्टाफ रूम था स्टाफ रूम और लंच ब्रेक चल रही थी लंच ब्रेक के के अंदर कई सारे टीचर्स बैठ के अपना खाना खा रहे हैं स्पोर्ट्स वाले वाले सर सर भी थे आपके सर। और इको प्यारा बच्चा है हर एक बात मानता है बाबू बच्चा ऐसे चीज निकाल के वो ऐसे बटन वाला बच्चा था मैं पतला दुबला था भाई मैडम ने अपनी मैंने मैडम को बोला मैंने जाकर क्या बोला मैंने कहा मैम ये तो सही है देखो इसका देख लो मेरा देख लो पिछली बार भी आपने काट लिया मैं मैम ये क्या बात है मैं ऐसे बोल दिया मैम ये क्या बात है मैडम ने खड़ा हो होता है अब मैं हैरान हो गया मेरा मुँह लाल हो गया सर्दियों के दिन थे भाई फरवरी वगैरह ही चल रहा था सर्दियों के दिन थे मेरा मुंह एकदम टमाटर जैसा हो गया मैं गुस्से में नहीं मतलब शर्मसार हो गया मैं फिर मैडम ने अच्छी मैडम के देखो क्या निचानी पहले चांटा मारा उसके बाद कह रहा बेटा बैठ स्टाफ रूम की सीट पे बैठाया मेरे को कह रही इस पेपर को देखो और इस पेपर को देखो दोनों में फर्क देख कि उसने एक चीज और कर रखी है वो क्या है अब सुनो वो ये कह रहा है कि अब जब अनबाउंडेड रीजन आया जब अनबाउंडेड रीजन आया तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है तो ऐसा किताबों में लिखा है कि जो अनबाउंड्री पानी वोटर रिफ्लेक्शन आ रही है कि जो अनबाउंडेड रीजन आता है जब आपको ये श्योरिटी लेनी है या आंसर में श्योरिटी देनी है कि इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है तो आपको करना क्या है तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है सात तो अब आप ये सात यहां यहां पुट करोगे आप देखो अब आप, आप क्या करोगे सेवन और ये आ गया बेटा हमारा थ्री एक्स प्लस फाइव वाई अब आप ढूंढने निकलोगे ऐसी कोई वैल्यू एक्स और वाई की जो सात से भी छोटा आंसर दे, दे। जो सात से भी छोटा आंसर क्या ऐसा पॉसिबल है वो आपको ढूंढने निकाल मिनिमम करना है ना मैक्सिमम बोलेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा ठीक है ना अब आपको इसका फिर से एक बॉक्स बनाना, बनाना है ठीक है ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा एक आधा पॉइंट आप और ढूंढ लो जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल एक्स को क्या ले लो जीरो तो y की वैल्यू आ जाएगी सेवन बाई फाइव और आप चाहो तो वाई को क्या ले लो जीरो समवेयर अराउंड सेवन बाई थ्री ठीक है ना और इसको रफली जाकर अपने ग्राफ पर ही प्लॉट कर दो तो एक पॉइंट तो ये आ ही चुका है दूसरा रफली रफली सेवन बाय फाइव का मतलब कितना होता है या आप एग्जैक्ट पॉइंट भी सर्च कर सकते हो एग्जैक्ट पॉइंट सर्च करना है तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी अब जैसे 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 जैसे, जैसे आ, आप फाइव वाई को लेवन माइनस फाइव वाई अपॉन मे थ्री अब मैं ऐसा क्या पुट करूं कि एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो वो आपको यहां पर एक बार सोचनी पड़ेगी ठीक है ना बेटा वो यहाँ पर सोचनी पड़ेगी फिलहाल इसे काम चलाते हैं सेवन बाय फाइव का मतलब हो गया समवेयर अराउंड वन पॉइंट टू समथिंग ठीक है ना तो वन पॉइंट टू समथिंग है तो वाई पर है वन पॉइंट टू तो ये आ गया 1.2 लगभग लगभग ये आ गया इधर से यहां आ गया कहीं ना कहीं ठीक है ना इधर आ गया कहीं थोड़ा जूम करके देखना और उसके बाद अगर हम बात करें फिर आ रहा है सेवन बाई थ्री विच इज टू पॉइंट समथिंग सेवन बाई थ्री तो वन टू तो ये टू पॉइंट समथिंग आ गया ये तो वन है ना या ये टू पॉइंट समथिंग इधर आ गया कहीं ना कहीं ठीक है जी तो हमारा जो पॉइंट आ रहे हैं मैं दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से तो नहीं स्काई ब्लू कलर ले लो तो एक पॉइंट यार है एक पॉइंट यार है और एक पॉइंट यार है ठीक है ना अब इसके ऊपर हम लाइन बनाएंगे लेकिन इस बारी लाइन बनेगी डॉटेड क्या बनेगी डॉटेड अब समझना बेटा जो मैं लिखवाने जा रहा हूं अब आपको ठीक है ना आपने ये लाइन लाइन बनाई है अब ये जो लाइन है आप ध्यान से देखो आप अनगिनत पॉइंट और ले लो अपने मन की शांति के लिए ये वाली लाइन सिर्फ उसी पॉइंट से जा रही है जो हमारा आंसर है अगर ऐसा है तो आपका काम ठीक है ठीक है ना आपने ये बनाया बनाया दिस पासिस ओनली थ्रू बी बी पॉइंट था ना बी पी कॉमा टू एंड वन बाई टू तो देर फोर अब ये लाइन आपकी आ जाएगी देर फोर देर फोर फोर अब ये लाइन आप यहां पर अब चेप सकते हो पहले नहीं चेप सकते थे पहले चेप देते तो गलत हो जाता इतना छोटा काम अगर आप नहीं करोगे तो आपके मेरे तरीके से चांटा भी पड़ सकता है और दो नंबर भी कर सकते हैं ठीक है जी सही है जी बात समझ में आई ये कहानी मैं अक्सर बच्चों को इसलिए समझाता हूँ सुनाता हूँ कि ताकि वो ये इस बात को याद रख पाए एक एक चीज होती है ना आपकी वो चीज़ आपको बिल्कुल जब भी आप अनबाउंडेड रीजन तुम्हारे सामने आएगा अच्छे बच्चों के जिसने एक कहानी मन से सुनी है तो उसके मन में, में मेरा वो चांटे वाला और वाला सीन तो याद आ ही जाएगा तुम इमेजिन कर पा रहे हो सर ऐसे खड़े हुए हैं चंपू से सर है तेल लगाया हुआ सर पर और ऐसे उनको पड़ गया सारे लोग देख रहे हो और मैं यूं देख रहा हूँ मतलब और भैया माइनस में हो गया मुंह लाल सा हो गया मेरा तो वो वाला सीन तुम्हारी आंखों में आएगा तुम ये वाली गलती कभी भी नहीं करोगे मानते हो कि नहीं मानते हो एक हर दे दो मेरे चार्टे के लिए सिर्फ दिस पास इज ओनली थ्रू दिस पॉइंट तो हमारा जेड की मिनिमम वैल्यू ही है लेकिन अब इसमें ना एक 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 पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा मान लेते हैं कि ये लाइन ऐसे नहीं गई सर ये कैसे हो गया सर मान लो ये लाइन यहां से नहीं गई अगर ये लाइन यहां से नहीं गई मान लो ये जनरली तो ऐसे ही जाएगी लेकिन एनसीआरटी का एक एग्जाम्पल है जिसमें लाइन ना ऐसे घुस जाती है अगर आपकी ये इमेजिनरी लाइन इसको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं फिजिएबल रीजन में घुस जाती है ना जब तो समझ लो आपका कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे

सर अगर मैक्सिमम या मिनिमम दो अलग अलग पॉइंट्स पे आ जाए तो क्या करना है चलो ठीक है ना और कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम लोग अब शिवदास से ठीक है जी पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं ये आया भैया देखो टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है ये आया बेटा एक्स वाई एक्स जीरो वाई थ्री वाई जीरो पुट करूंगा तो देखो थोड़ा अजीब सा हो रहा है तो मैं यहां पर एक्स को ही वन पुट कर लेता हूं तो वाई भी कितना आ जाएगा वन फ्रैक्शनल पॉइंट से बचने की कोशिश कर सकते हो आप और यहाँ पर आ गया एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्स है तो ये भी अनबाउंडेड रीजन ही देगा क्योंकि तो ग्रेटर देन का साइन है एक्स जीरो है वाई थ्री है और वाई ज़ीरो है तो एक्स सिक्स आ गया ठीक है ना तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं वैसे अब ये वाला ग्राफ आप खुद ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो बेटा कोई मुश्किल नहीं है अब तो सब तुमने सीख ही लिया और एनसीआर के जितने भी क्वेश्चन है अब आप कर सकते हो एनसीआरटी के जो आखिरी का चार क्वेश्चन है वहां पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछी है तो जैसे अगर हम ये वाले क्वेश्चन पे जाए तो आपको यहाँ पे सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो हमने ये बता दी मिनिमम इज सिक्स सॉरी माइनस ट्वेल्व मैक्सिमम पूछे तो ये बता देते तो दोनों भी पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन में तो दो जवाब आ जाएंगे कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें ये गेम है बेटा अब जैसे इसको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग हम्म वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जी तो एक्स जीरो वाई हो गया? वाई ये आ गया और फिर x वन वाई वन हो गया है जी तो लाइन कुछ इस प्रकार से आप खींच सकते हो लाइन कुछ इस प्रकार से आप खींच सकते हो ये आ गया बेटा ठीक है रफली मैंने हाथ से ही बना दिया एक्स जीरो वाई थ्री येरा पॉइंट और ये आ गया छः पर ये आ गया छे पर तो ये पॉइंट ऐसा आ गया कुछ अब हम करेंगे अपना जीरो टेस्ट अगर तो तो ये भी बेटा फॉल्स आएगा ये भी फॉल्स आएगा आप चेक कर सकते हो तो हमारा जो शेडेड पोर्शन निकल के आएगा वो यही आएगा जैसे अभी आया था अनबाउंडेड ये जान के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं कि ताकि आपको क्लियर हो जाए अब समझना बेटा समझना ये पॉइंट आया आपका आ, ये पॉइंट आया आपका जीरो कॉमा तीन और ये कॉमा आया छमा जीरो ठीक है ना अब भाई अगर हम बॉक्स बनाते हैं प्यारे बच्चों अनबाउंडेड तो आया है तो वो मन की शांति वाला काम तो करना ही पड़ेगा अब यहाँ पे सिर्फ दो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं आपके बिचे सिक्स कॉमर जीरो और z आ गया बेटा x प्लस टू वाई तो z की वैल्यू तो जीरो आ गई और z आ गया भैया हमारा छः तो मिनिमाइज बोला वो तो सॉरी सॉरी जीरो कॉमर तीन था ये भी छ आ गया देखो अब देख रहे हो मतलब पीपीटी बनाने के पीछे कितनी रिसर्च लगाई गई है वो क्या है मुझे पता है हर एक सवाल के जवाब तुमको लेकर आने हैं अब ये क्वेश्चन देख के तो पता नहीं चलेगा सॉल्व भी किया होगा मैंने पहले ठीक है ना तो यहां पर अब ये भी छह आ गया ये भी छे आ गया भाई साहब ये भी छे आ रहा है ये भी छे आ रहा है तो दोनों पे मिनिमम है अब सुनना इसकी स्टोरी भी है लेकिन पहले आपको पता है अनबाउंडेड आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू तो हमारी छह आ रही है तो हम जाएंगे छे जो छे है क्या है मिनिमम चाहिए क्या इससे छोटी भी कोई वैल्यू है एक्स प्लस टू वाई की चेक करेंगे तो हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे तो ये जो बॉक्स है समझना 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 प्यार समझना समझना तो ये जो बॉक्स है एक वैल्यू तो यही अच्छा दोनों यह हजम कर लेगा क्योंकि दोनों भी थे आ रहा है है ठीक ना आप बनाओ अपने तरीके से x जीरो है तो y कितना आ जाएगा तीन y जीरो है तो x कितना आ जाएगा छह तो मतलब ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन होगी प्यारे बच्चों वो तो वो तो इसी के ऊपर लाई कर गई वो तो इसी के ऊपर ही लाई कर गई समझ रहे हो हाँ तो बहुत बढ़िया फिजेबल रीजन में तो नहीं घुसी ना भाई कम से कम फिजिएबल रीजन में तो नहीं घुसी ना कम से कम बिल्कुल सही है तो यानी यानी हमारा आंसर छ ही है बट अब समझना समझना अब दो बातें बहुत ध्यान समझना कान खोल कर सुनना है बात हमारा जीरो और एरो मतलब ए इन दोनों पर हमारी मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है वैल्यू आ रही है तो हमारा जो आंसर होगा तो हमारा आंसर होगा तो Z इज मिनिमम एट एनी वैल्यू एनी पॉइंट सॉरी एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ऑन लाइन सेगमेंट ये नाम क्या रखा है हमने इसका ए और इसका नाम रखा है हमने बी तो इसका नाम बी रखा ठीक है ना ऑनलाइन सेगमेंट ए बी एंड मिनिमम वैल्यू इज एक्स तो ए बी के ऊपर भाई देखो अगर इस पर छे, इस पर छे आ रहा है इस पर छह आ रहा है तो यकीन मान लो बेटा यहां पर आने वाले हर एक पॉइंट पर क्या आएगा बेटा वो छ ही आंसर आएगा तो ये वन मार्क में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है वो क्या बोलेगा आपको ना ग्राफ दिया होगा आपको ग्राफ दिया होगा वो बोलेगा भैया यहां पर मैक्सिमम आ रही है यहां पर भी मैक्सिमम आ रही है तो आप मुझे बताओ कि किस पॉइंट पर हम मानेंगे तो हम मानेंगे बेटा ए बी के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम जो भी है ठीक है ना लेकिन अगर आपका फिजिएबल रीजन कुछ इस प्रकार का है समझना आपका फिजिबल रीजन कुछ इस प्रकार का है ठीक है जी फिजिबल रीजन कुछ इस प्रकार का है समझो मान लो सुनते रहना बेटा जो बोल रहा हूं मान लो इस पर और इस पर ये है ए और ये है बी इस पर दोनों पर मिनिमम आ रही है तो हमारा अभी जो बताया वही क्या आ गया ए बी लाइन पर क्या हो जाएगा मिनिमम इस ए बी लाइन पर आने वाले हर एक पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी ठीक है जी लेकिन मैं कहता हूं मैं क्या कहता हूं यहां पर ए पर मिनिमम आ रहा है और यहां पर बी पर मिनिमम आ रहा है अब ये तो एक सीधी लाइन नहीं है ये तो एक सीधी लाइन नहीं है तो दो अलग अलग आंसर आएंगे तो हम बोलेंगे हमारा जेड जो है वो मिनिमम ए पर भी है और बी पर भी है दो बातें हो गई अगर आपके चार्ट में जो टेबल आप बना रहे हो ये जो टेबल आप बना रहे हो इस पर दो अलग अलग जगह आपका मिनिमम आ रहा है ठीक है तो अगर वो तो सेम लाइन बन रही है सीधी लाइन बन रही है जैसे यहां पर बन रही थी सीधी लाइन बन रही है तो उस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट पर वो मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा और अगर वो ऐसा अलग-अलग पॉइंट -अलग है जो सीधी लाइन में नहीं आ रहा फिजिएबल रीजन की सीधी लाइन में नहीं आ रहा तो वो दो अलग-अलग पॉइंट -अलग रहेंगे तो सिर्फ दो पॉइंट पर होगा ठीक है जी तो यानी अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि कितने पॉइंट पर ये फंक्शन मिनिमम है तो टू पॉइंट्स कितने पॉइंट्स पर ये फंक्शन मिनिमम है इनफिनाइट पॉइंट्स इनफिनाइट कोटिक करेंगे आ रहा है बीएमक्यू क्लियर 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 थम्स दो सर क्लियर सर वेरी मच क्लियर सर वेरी मच क्लियर क्लियर है बेटा क्लियर है बेटा तो ये है बेटा हमारे क्वेश्चन अब आपका होमवर्क क्या है अभी देखो रुक जाओ अभी भी लगभग दस क्वेश्चन बचे हैं लगभग दस क्वेश्चन बचे हैं ये वाला आपका होमवर्क में रहेगा ठीक है जी यहां पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता ये ऐसा करो मैं आपको दे रहा हूं पांच मिनट आप इसको ट्राई कर लो ये भी हम यहीं करके जाएंगे होमवर्क नहीं देंगे फिर हम कर रहे हैं अपनी एम ठीक है ना पहले आपको पांच मिनट दी जल्दी करो इस क्वेश्चन में आपको एक ग्रेटर देन का साइन है एक स्मॉलर देन का साइन है और फिर एक और स्मॉलर देन का साइन है तो तीन इक्वेशन दे रखी है तो मैंने सोचा इसको हम यहीं कर लेते हैं आई होप आप लोगों ने भी कर लिया होगा तो अगर हम इसका एक बॉक्स तैयार करते हैं प्यारे बच्चों तो ये आ गया एक्स वाई एक्स जीरो को पुट करोगे तो वाई हंड्रेड आ जाएगा वाई को जीरो पुट करोगे तो एक्स फिफ्टी आ जाएगा और ये इक्वेशन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ वन और टू वगैरह मत लेना जैसे आप जीरो पर तो क्या आ गया ज़ीरो अब अगर आपका x होगा 50 तो y आपका कितना आ जाएगा 100 तो अब आप 50 के मल्टीपल्स पे ही काम करो या 25 के मल्टीपल्स पर ही काम करो ठीक है ना अब वन टू मत लेना क्योंकि अगर आप यहाँ x वन लोगे तो y 198 आ जाएगा तो उसको प्लॉटिंग में बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको x जीरो पुट करोगे y 200 है y जीरो पुट करोगे तो x क्या है 100 तो अब हम यहाँ पर सब 50 के मल्टीपल्स आ गए तो अभी हम ईजिली ग्राफ बना पाएंगे तो अगर हम यहां पर ही देखें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है ये ग्राफ आ जाएगा और ये एक ग्राफ यहां से आ गया अरे ठीक है जी इस प्रकार से ले लेते अब यहां आ गया आपका जीरो दिस इज फिफ्टी हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड ठीक है ना तो ये हटा देते हैं ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अभी बोर्ड पर तो ठीक और यहाँ पर भी आ गया टू हंड्रेड तक आ गया सही। अब यहाँ पर हमारा x जीरो y हंड्रेड है पॉइंट ये आ गया बेटा पहला फिर आ गया ये फिफ्टी तो यहाँ पर हमारा लाइन ऐसे कुछ बन जाएगी रफली बना रहे एक्स जीरो वाई जीरो आ गया, गया। एक्स पचास पे वाई सो आ गया तो एक लाइन आपकी ओरिजिन से जा रही है भैया चेक करो लो ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया एक्स जीरो तो आ गया टू हंड्रेड और ये कितना आ गया बेटा हमारा हंड्रेड ये लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से चली जा रही है ठीक है ऐसा कुछ शेड पोर्शन आ गया ये ग्रेटर देन है तो ये फॉल्स आता है पता ही आपको तो ये आ रहा है फॉल्स ये क्या इधर जाना है ये वाला ओरिजिन टेस्ट नहीं होगा यहां पर आप थ्री जीरो पुट करोगे याद है आपको ये आ गया ऐसे तो सिक्स इज लेस देन इग्ल जीरो फॉल्स है तो फॉल्स है तो ये लाइन कहा कहेगी भैया इधर शेड थ्री जीरो से अगेंस्ट थ्री जीरो यहां पर लाई करेगा और ये वाला ट्रू है तो ये इधर शेड करने को कहेगा तो कहीं ना कहीं ये इधर ये इधर, ये इधर ये इधर तो हमारा जो शेडेड पोर्शन बन रहा है बेटा वो बाउंडेड ही बन रहा है तो अब आप काम कर सकते हो चार पॉइंट आ जाएंगे ए आ जाएगा बी आ जाएगा सी आ जाएगा और डी आ जाएगा कॉमेंट में आंसर जरूर बताएं काम मुश्किल नहीं है ये तो बाउंडेड रीजन तो आसानी होता है क्लियर है बेटा चलो अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉरी वर्ड प्रॉब्लम तो सिलेबस में नहीं है अब हम बात करेंगे कुछ एम सी की क्वेश्चन की जो ऑब्वियस सी बात है हम लेकर आए हैं शिवदास की किताब से ठीक है जी अब शिवदास की जो ये है बुक हमारी ठीक है ना इसमें दस साल के सैम्पल पेपर दिए हुए हैं बेटा टेन ईयर्स के सैंपल पेपर हैं इसके अंदर और uh, खुद के प्रैक्टिस पेपर तो टोटल पैंतालीस से ऊपर सैम्पल पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसके अंदर से मैंने पूरे के पूरे निचोड़ के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ

तो काफी अच्छी किताब है जाकर जरूर देखें और खरीदें ठीक है ना तो ये वाला जो अब मैं जो भी कंटेंट अब आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है जी थैंक्स टू शिवदास उन्होंने कंपाइल करके हमको ये दिया इस किताब के अंदर और ये किताब की पूरी की पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी एडिटर साहब लगा देना पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर आप खरीद लें तो द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंड

शून्य तो होगा हो ही होगा फिर अगर हम यहां पर लेट से x को वन पुट करते हैं तो y माइनस टू आ जाएगा x को अगर मैं वन पुट करता हूं तो y क्या आ जाएगा बेटा हमारा माइनस टू तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से आपकी जा रही है ये लाइन कुछ इस प्रकार से आपकी जाएगी ठीक है ना अब अगर मैं इसका शेडेड पोर्शन निकालता हूं तो x इज ग्रेटर देन तो ये बात, है। तो ये बात है? फॉल्स है तो ये बात क्या है फॉल्स है तो इधर जाएगी y ग्रेटर देन ये भी क्या है बेटा फॉल्स है और अगर मैं इसमें थ्री जीरो टेस्ट करता हूं तो सिक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो ये बात क्या है बेटा हमारी फॉल्स है तो ये इधर शेड होगी तो बेटा ये कह रहा है इधर ये कह रहा है इधर और ये कह रहा है इधर तो बेटा ये बताओ इसमें से कुछ है ही नहीं ये तो अनबाउंडेड भी नहीं है इनमें से कुछ भी शेड नहीं हो रहा चेक करो ये कह रहा है इधर शेड होने को सही है जी ये कह रहा है इधर शेड होने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा बेटा देखो वो तो उन दोनों का है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है बात समझ में आ गई तो आंसर इज नन ऑफ इनमें से कुछ भी नहीं है रीजन दिया हुआ बेटा आपको शेडेड है लेट जेड दे रखा है आपको थ्री एक्स माइनस फोर वाई तो बताओ मिनिमम कहां पर होगा देखो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे डायरेक्ट आपको ग्राफ सा दिया होगा ये आपको बता दो मिनिमम पॉइंट क्या है ठीक है ना तो अब यहां पर आपके पास जो z का फंक्शन है वो है थ्री एक्स माइनस फोर वाई ठीक है अब आप जीरो जीरो पुट कर लोगे तो ये z जीरो आ जाएगा आप फाइव जीरो पुट करोगे तो ये फिफ्टीन आ जाएगा ऐसे चल रहा हूं अच्छा इसके ऊपर नहीं करना है क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है कॉर्नर पॉइंट ये होता है सिक्स और एट पुट करो तो थ्री इंटू सिक्स माइनस फोर इंटू एट कितना आ गया भैया ये अट्ठारह माइनस बत्तीस तो कितना हो गया बत्तीस uh, में से अट्ठारह जाएंगे भाई जल्दी चौदह आ गया तो ये आ गया माइनस फोर्टीन उसके बाद ऊपर चलो चार और दस तो थ्री इंटू फोर और यहाँ पर आ गया जी दस तो ये आ गया भैया माइनस अट्ठाइस आ गया जी फिर पुट करो जी माइ जीरोट तो जीरो कॉमा माइनस बत्तीस तो आंसर आ गया माइनस बत्तीस तो अब देखो सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है मिनिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है जीरो कॉमा एट पर आ रही है बी आ गया ना जीरो कॉमा एट पर सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल रही है ये काम तो आसान था फिर आ रहा है मिनिमम वैल्यू देखो कहां पर कर रही है। इसकी फिर आपके देखो, है, एक है दो है तीन है चार है जल्दी से कॉमेंट करके बताओ मेरे निकालने से पहले बता दो तो अगर मैं ए पुट कर रहा हूं नाइन तो ये आ गया छत्तीस फोर कॉमा थ्री पुट कर रहा हूं ये आ गया फोर और ये आ गया बेटा हमारा थ्री तो सोलह प्लस नौ कितना हो गया भैया पच्चीस और फिर ये आ गया टू और फाइव पुट करो जल्दी बताओ मेरे से बताने से पहले बता देना भैया पंद्रह और आठ कितना हो गया भैया तेईस और यहाँ पर आ गया थ्री एटा कितना हो गया भैया चौबीस आपको कौन सी वैल्यू बतानी है मिनिमम तो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पर यानी टू कॉमा फाइव पर ठीक है तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ऑल आपको लग रहा होगा सर क्या ही मजाक चल रहा है एल पी पी ही मुश्किल नहीं है तो मुश्किल क्वेश्चन कहां से क्रिएट करें ठीक है ना इजी है कोई मुश्किल नहीं है अब जैसे ये देखो ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ना टू मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है बेटा फोर्टी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है फोर्टी एट फोर कॉमा सिक्स मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है फोर्टी टू एट फोर तो यहां पर हम z की वैल्यू डाल देते हैं 42 और x की जगह पुट कर देते हैं 4 और यहाँ पर पुट कर देते हैं 6 अभी तो मेरे चेहरे के हाव भाव इसलिए चेंज हो गए थे मेरी बेटी आ गई थी अपना क्वेश्चन पेपर दिखाने ठीक है जी मैंने कहा रिकॉर्डिंग चल रही है रिकॉर्डिंग चल, चल रही है मुझे रिलायंस हुआ क्या ही दिक्कत है फिर पेपर इधर दिखाने आई है तो उसका कंप्यूटर का पेपर था आज तो पेपर दिखाने थी। चलो इसलिए मैं ऐसे ही करता हूँ ना जी ना बाहर जाओ बाहर जाओ अब अब रिलायंस हो रहा है क्या ही दिक्कत थी पेपर तो दिखाने आई थी क्या दिक्कत हो गई तो यहाँ पर आ गया ये आ गया फोर्टी टू यह आ गया, 42, यह आ गया 42, और फिर नाइनटीन पर आएगी है बेटा हमारी थ्री कॉमर टू पर तो थ्री ए और टू ए समझ में आया ना बेटा ये दूसरी क्वेश्चन तो Z की वैल्यू दे रखी फोर्टी टू कहाँ पर फोर सिक्स पर तो एक्स और वाई की जगह पुट कर दिया नाइनटीन दे रखिये कहा थ्री कॉमा टू तो इसको आपको सॉल्व करके वैल्यू बता देनी है कॉमेंट में जवाब मैं चाहूंगा ठीक है नहीं और बाकी बच्चे भी जितने सारे बच्चे हैं वो सब बात करेंगे ठीक है ना सब बात करेंगे कमेंट सेक्शन में इस आंसर के बारे में चलो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये दे रखे हैं कॉर्नर पॉइंट ये दे रखे हैं z ये दे रखा है इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू तो देखो सबसे पहले z के अंदर तो आप ये तीनों वैल्यू पुट करोगे तो पहले आप पुट करोगे जीरोस 96. फिर एट कॉमा जीरो बिच इस दो चालीस फिर आप उठ करोगे तीस में बीस कॉमा बीस बाय तीन डाला और ये चार बाय तीन डाला तो ये कितना आ गया भैया दस ये हो गया दो सौ ये हो गया आठ ये हो गया बत्तीस ये आ गया दो सौ बत्तीस ठीक है जी अब मिनिमम वैल्यू कितनी है मैक्सिमम माइनस मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम दो सौ चालीस में से नाइनटी सिक्स जाएगा ये आ गया चार तेईस में से नौ गया तेईस में से नौ गया कितना आ गया वन फोर्टी फोर है ना तेईस में से नौ जाएगा कितना वन फोर्टी फोर तो हमारा ये आंसर आ गया तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है बेटा देख लो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है देखो और देखो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंड एट द कॉर्नर पॉइंट दोबारा वही आ गया सॉरी तो यानी ज्यादा बारी आया होगा अब ये देखो ये देखकर डरावने वाले क्वेश्चन है कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट आता है तो ये ये, रहे सही है जी। और z दे रखा आपको ये. PX plus QY. ठीक है जी कंडीशन ऑफ पी एंड क्यू सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर एट बोथ द पॉइंट दोनों पॉइंट पे अकर हो रही है तो देखो तो जेड पंद्रह पे क्या आ रहा है पंद्रह पी प्लस पंद्रह क्यू और बीस पे भी आ रहा है ये आ गया जीरो ऐसे आ गया बेटा दोनों रेड बराबर हैं, पंद्रह पी पंद्रह क्यू इज इक्वल्स टू ट्वेंटी क्यू पंद्रह पी इज इक्वल्स टू फाइव क्यू तो थ्री पी इज इक्वल्स टू क्यू थ्री पी इज इक्वल्स टू क्यू अब बताओ देखने में पी क्यू डाल देते हैं ये गंदे गंदे साइन डाल देते हैं कॉर्नर पॉइंट फिजिएबल रीजन मुश्किल मुश्किल शब्द डालने से क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता भाई ठीक है ना हाँ तो ये है बेटा अब ऐसे और एमसीक्यू देखो एम में अटकोगे इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा अब वो चाहे आप एग्जाम्पलर से करो अब एग्जाम्पलर में बहुत फालतू क्वेश्चन भी दे रखे हैं तो मेरा इस पॉइंट मतलब मैं हर एक चैप्टर के लिए एग्जाम्पलर अच्छी ही कहता हूँ लेकिन यहाँ पर चैप्टर आधा बचा बेटा वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप तो इट्स बेटर कि आप एक आउटसोर्स किताब से काम कर लो अगर आप खरीद सकते हो तो मेरे हिसाब से बेहतर किताब शिवदास है तो प्लीज आप उसे खरीद लें और वो आगे भी बहुत काम आने वाली है इवेंचुअली जब भी हम लाइव स्टार्ट होने वाली हमारी है हमारी अब ठीक है ना अब बच्चों को एटी ट्वेंटी रूल का वादा तो मैं रॉकी वर्सिज में कर ही दिया है मैंने आपके लिए ठीक है ना तो उसके लिए ऊपर भी बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है अब मॉर्निंग में भी क्लासेज आपको बहुत एक सरप्राइज सा आने वाला आपको आज कल में आ जाएगा तो बहुत हेल्प करेगा आपको ठीक है ना तो एक्चुअली uh, क्या होता है ना जो हमारे अच्छे मार्क्स होते हैं वो हमारे क्यूमिलेटिव अच्छे अच्छे फैसलों से आते हैं ठीक है ना मैं ये मानता हूँ सिर्फ पढ़ने से नहीं आते तो एक फैसला ये भी है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें सिर्फ एनसीआर एल पी करने बैठोगे तो कुछ ऐसे अनोखे शब्द आपको देखने को पेपर में मिल जाएंगे तो इन्फा नाइट आंसर आएगा वो शायद मुझे लगा था आएगा लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया तो वो वाले एमसीक्यू भी आप जरूर दो चार करें ठीक है ना तो इसी के साथ फिनिश करता हूँ मैं अपना एल चैप्टर यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर छोटा सा एक प्यारा सा सुपर वन शॉट जो कि हर एक बच्चे को देखना चाहिए और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आप जरूर फीडबैक ज़रूर दें और एक प्यारे प्यारे कमेंट अगर अच्छा लगा हो तो नहीं अच्छा लगा तो खराब कमेंट मत करना <laughs> अच्छा लगा हो तो आज एक अच्छा कमेंट जरूर करना दोस्तों के कर साथ इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो शायद अभी तक आप लोगों ने कर ही लिया होगा सेकेंडली मैं इसी वीक के एंड तक यानी संडे तक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके लिए प्रोबेबिलिटी आ जाए मैं लग तो कल से ही रहा प्रोबेबिलिटी को बनाने में लेकिन उसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा जैसे इंटीग्रेशन को समय लगा था खैर उतना बड़ा चैप्टर तो खैर नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर मुझे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू एल ये तो मैंने एक गो के अंदर आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया वहां तो पे पार्ट्स में रिकॉर्ड होगा तरीके से रिकॉर्ड होगा एडिटिंग होगी फिर आप तक पहुंचेगा क्योंकि मैं देना चाहता हूं बेस्ट आपको ठीक है ना आखिरी चैप्टर बचा है एंड थैंक्स फॉर द पेशेंस एंड कॉपरेशन जो आप लोग इतना करते हो कि हमारे लेक्चर थोड़े से डिले हो गए लेकिन फिर भी आप लोग कहीं और नहीं देख रहे हो क्योंकि हमारा बॉन्ड बन चुका है इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा तो मिलेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे